अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्री वॉइस, मैं हूं उल्फत बशीर। वादी कश्मीर में अक्सर बेशतर महकमा अमूर सार्फीन पर ये इल्जाम लगाया गया कि महकमा लोगों को प्लास्टिक के चावल फराहम कर रहे हैं। ताहम आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लोगों को प्लास्टिक के चावल फराहम किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि दरअसल चावलों में कुछ विटामिन और आयरन शामिल किए जा रहे हैं ताकि सार्फीन को आयरन वाले चावल मिल सके। इस सिलसिले में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर के डायरेक्टर अब्दुल सलाम मीर ने कहा कि पिछले 3 सालों से कुछ अजला को चावल फराहम किए जा रहे हैं जिनमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1% फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन को शामिल करने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि लोगों को जो चावल फराहम किए जा रहे हैं उनमें आयरन की कमी ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सार्फीन को प्लास्टिक के चावल फराहम नहीं कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा ने पिछले साल इस हवाले से आगाही शुरू कर दी और लोगों से काफी हद तक इससे आगाह हो चुके हैं। सार्फीन को फराहम किए जाने वाले चावल क्वालिटी अच्छी है और घबराने की जरूरत नहीं है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फ्री वॉइस।